हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड हे यू सी माय बाइक थोड़ी गंदी हो चुकी है, लेकिन हम लोग फिर से निकल चुके हैं संडे राइड पर। दिस इज संडे मॉर्निंग, मॉर्निंग का बजा 6:20 एंड वहां पर देखो दो बाइक्स हैं, फिर से सेम राइडर्स। वी हैव वन मोर राइडर जॉइनिंग अस टुडे और बस निकले हम लोग यहाँ से। ये देखो अपना सिड लाइफस्टाइल और वहाँ पर है स्वयं विथ हिज मॉडिफाइड R1M। भाई ने भी मॉडिफिकेशन कल कराया है, बढ़िया कराया है भाई। टायर इसने लगा लिया अल्फा H1, अपोलो अल्फा H1 150/60 की 70 है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर बट येस दिस लुक्स रियली गुड। किसी वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लोग करते हैं राइड। चलें भाई, लेट्स बिगिन द फन। सो अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा हमारा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई बहुत संभल संभल के चला रहा था धीरे धीरे, जो कि अच्छी बात है। आपको कभी भी अगर आप एक ग्रुप में राइड कर रहे हो और आप वो स्पीड को मैच नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है और फालतू में जोश में आने वाली बात नहीं है। अपने हिसाब से राइड करो, सेफली राइड करो और बिना मतलब का लिमिट पुश करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर निकलते हैं सीधे रोड पर। क्या? ऊपर से चलो ना। हाँ, अरे ऊपर से चलो, अरे ऊपर ही तो मजा है। नीचे कहाँ खाली, नीचे सिग्नल मिलेगा, देखो ना इतना जा रहा है। ऊपर से चलो, हवा खाते हुए जाना। भाई मौसम सुबह सुबह का बहुत ही बढ़िया लग रहा है और सनराइज हो चुका है। वैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लाउड कवर रहेगा, लेकिन चलो अच्छा है सनराइज हो गया है। थोड़ा गर्मी लगेगा बट इट्स ओके, क्लाउड में टेंशन ही है। बारिश वारिश हो जाए फिर वो मज़े नहीं ले पाएंगे राइड के। आज के राइड में जो मज़ा आने वाला है ना, मतलब मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखो अभी मैं बस राइड शुरू किया हूँ, मुझे नहीं पता है कि हाउ दिस इज़ गोना एंड, लेकिन एक बात पक्का है, मज़ा बहुत आने वाला है आज के राइड में। बिकॉज आज का राइड हमारा उस दिन की तरह नहीं है, बिकॉज उस दिन तो मैक्सिमम हम लोग सिटी के अंदर थे। अभी हम लोग बस हाईवे में होंगे, तुरंत आपके लिए कुछ सेकेंड में हम लोग हाईवे में होंगे, मतलब वीडियो के लिए हमें तो शायद 2-4 मिनट लगे। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं आगे, अपना एक राइडर ज्वाइन करेगा हमें एंड देन वहाँ से वी विल कंटिन्यू। हाँ तो भाई रुके थे अपने चौथे राइडर के लिए बट आई गेस उसको अपनी मम्मी से डांट पड़ रहा है सो वो निकल नहीं पाएगा। लेकिन चलें कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू आर राइड। सो हियर इज द डोमिनार और R1M। अभी अपने राइड को कंटिन्यू करते हैं, राइड को एंजॉय करते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करो। भाई कभी कभी डोमिनार का जो एग्जॉस्ट का जो वो बेस जो सुनाई देता है ना, बहुत बढ़िया लगता है और डबल बैरल है तो ऑफ कोर्स और मज़ा आ जाता है। चलिए इस ट्रैफिक से आगे निकलना पड़ेगा। निकाल भाई, निकाल निकाल निकाल।
तो ये आ गए हम लोग दक्षिणेश्वर। राइट में हमारे है दक्षिणेश्वर स्टेशन और मंदिर भी इसी तरफ है, द फेमस दक्षिणेश्वर टेम्पल। गुड टू सी कि यहाँ पे बहुत हद तक काम हो चुका है, क्योंकि एक साल भी नहीं हुआ है शायद ये सब शुरू हुए। देखो ये अपना मेन रोड था जिसपे हम लोग जाते थे, ये भी उड़ा दिया गया है और ये नया वाला है जिसपे हम लोग चल रहे हैं। सो इफ यू आर अ बाइकर एंड यू कम ऑन दिस रोड, यहाँ पर आपको हमेशा बच्चे दिख जाएंगे मोबाइल वगैरह लेकर के, वीडियो बनाने के लिए, फोटोज वगैरह लेने के लिए, और ये हमेशा अच्छा लगता है। बच्चे जब अट्रैक्ट होते हैं और वेव करते हैं ना, ट्रस्ट मी दैट इज द बेस्ट पार्ट। आपको लाखों कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे ले, बड़े लोग कुछ भी बोल ले, लड़कियां कुछ भी बोल ले, लेकिन जब बच्चे खुश होते हैं ना यार, अलग लेवल का खुशी मिलता है। बिकॉज वी वर दोज किड्स, वी स्टिल आर। भाई 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 भाई, चलो वी कैन डू। भाई डोंट टेल मी सीमेंट का रोड बन रहा है। अरे वाह भैया वाह, ये सीमेंट ही, हाँ सीमेंट वाला ही रोड है ये। बढ़िया यार, ये रोड बहुत अच्छा होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, सही बन रहा है। आई होप ये आगे भी बन गया हो, मज़ा आ जाएगा फिर। आज नहीं बना होगा फिर भी मज़ा आ जाएगा, डोंट वरी। अरे तालाब बन गया है यहाँ पर बगल में, मेरे साथी राइडर आगे रह गए हैं। चलो बहुत दिनों के बाद निकला हो यार यहाँ पर, मतलब यहाँ पे निकलना हमेशा होता है, खासकर जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तभी, शॉर्ट राइड पे तो बहुत कम ही आता हूँ इधर। भाई क्या कटिंग मार रहा है बंदा, हमसे ना हो पाएगा भैया। हम लोग जब पिछले बार इस रोड पर आए थे तभी भी काम चल रहा था, अभी भी काम चल रहा है। इट वॉज फन द लास्ट टाइम बट इट्स इवन बेटर दिस टाइम। आई डोंट नो व्हाई, शायद थोड़ा खाली है इसीलिए, बट हाँ वी हैविंग फन। और सामने एक बड़ा सा इंडिया का झंडा दिख रहा है, और बहुत बड़ा है वो।
चलिए भैया पेट्रोल ले लेते हैं। टंकी हो गई है खाली। चले भाई हो गया अपना रिफ्यूल। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ऐसे फुल कांटा देख के। चलो सबने करा लिया चले। चलो बगल में ही है मुश्किल से शायद 7 किलोमीटर। ये देखो आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, बढ़िया चीज ये देखो। इंडियन रेलवेज। आजाद हिंद ढाबा का जो राइड है ना ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। लेकिन चले कोई बात नहीं, विल हैव सम गुड ब्रेकफास्ट। मेरे गले से अभी तुरंत एक तितली टकराई है बहुत ही भयंकर और शायद उसका जान चला गया है। आई डोंट नो, बहुत ही दुख होता है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और कौन कौन से बाइकर्स आए हुए हैं। यहाँ पर बाइकर्स हमेशा रहते हैं, हमेशा। यहाँ पे अगर बाइकर्स ना दिखे तो समझ जाना आप गलत आजाद हिंद ढाबा में आए हो। It was a short and quick ride. ये देखो यहाँ पर है हायाबुसा और निंजा। क्या सेक्सी लग रहा है भाई। ऑस्टिन रेसिन का एग्जॉस्ट लगा हुआ है एंड यहाँ पर है अपना बाइक्स। और ये है आजाद हिंद ढाबा। यहाँ पर हम लोग कभी कभी आ जाते हैं। आई थिंक दिस इज द सेकेंड टाइम दैट आई एम कमिंग हियर एंड यस, मजा आया एकदम। आज ज्यादा मजा आया नहीं? आज थोड़ा बाइक भगाया है भाई। पिछले दिन थोड़ा सा शांत था लेकिन आज बाइक भगाया है। एंड यस This was a fun ride. अभी वापस जा रहे हैं, वापस जाते हो क्या ही वीडियो बनाया, because if you look at the sun, बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया है। चलें फिर आगे निकलते हैं।